गोल्ड मेडल आया है वो सभी चीज़ों को कवर कर गया, जितने भी बच्चों के मेडल्स आए और उनके नहीं आए उनको सबको कवर कर दिया नीरज चोपड़ा ने, और इसकी अपनी अचीवमेंट बहुत अच्छी रही है। और जो इसने डिस्टेंस फेंका वो भी बहुत अच्छा रहा है, 87.58 इसका डिस्टेंस रहा। अब ये अगर थोड़ा एफर्ट करेगा बच्चा तो शायद इसका और भी आगे आने मेडल, तो देखो गोल्ड से ऊपर कुछ नहीं है बट इसका अपना डिस्टेंस है जो इम्प्रूव हो जाएगा। पलवल में जो इन बच्चों ने किया है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग एफर्ट है, इससे और भी बच्चे प्रेरित होंगे, नई जनरेशन है, आम लोकल पब्लिक इसको देखेगी, रेल ट्रेन निकलती है ट्रेन में से भी दिखाई देगा, ताकि हमारा मैसेज सिर्फ हरियाणा भर का नहीं रह के पूरे देश का। किसी तरह की इवेंट्स में या फिर किसी तरह की और एक्टिविटी में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इनका किसी तरह कोई सहयोग करें? इसका इनका सहयोग है, इसको ऑनर भी किया है अभी सरकार ने और इसको एक गवर्नमेंट जॉब भी दी है क्लास वन की, और इसको कैश प्राइज है वो भी इसको दिया गया, 6 करोड़ रुपीज़ इसको दिया गया प्लस क्लास वन ग्रेड की जॉब। जो जो पलवल में पहल की गई है ये पेंटिंग बनाकर, तो इस टीम को किसी तरह सपोर्ट मिलेगा? इस सब सपोर्ट करने के लिए हमारे खेल विभाग के हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इस टीम को अपनी तरफ से अप्रिशिएट करवाएं वहाँ पे, और भी अदर काम के लिए जिस टाइप से इनको बच्चे चाहिए इनके साथ जुड़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए वो भी हम अपनी तरफ से बच्चे। पेंटिंग के आर्टिस्ट कौन है? पेंटिंग के आर्टिस्ट यूनिस खान। थैंक यू। है एक्चुअली ये उनके डेडिकेट की है नीरज चोपड़ा के लिए और तमाम अपने देशवासियों के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है अपने देश के लिए गोल्ड लाना, और जिससे कि हम सबको बड़ा प्राउड है, और आने वाली जो जनरेशन है जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं अपने जो भी इस फील्ड में हैं, तो उन सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, और ये हमें देख कर हमें एक दूसरे को इंस्पायर करती है। तो बस यही चीज़ देखकर हमारे अंदर भी ये था कि एक ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा एक पोर्ट्रेट हम नीरज चोपड़ा को डेडिकेट कर पाएँ। तो ये सारी अपनी जो टीम है, मेरी पूरी टीम है, हमने सबके साथ मिलकर इस पोर्ट्रेट को पूरा किया है, जिसमें हमने मेहनत की है। कल हम लगे थे, 15 अगस्त का दिन था, बहुत अच्छा दिन था, कल हमने इसकी शुरुआत करी थी, तो आज हमने इसको कम्प्लीट किया। किस किस का सहयोग रहा है इसमें? देखिए इसमें अपने वीरपाल है, अनुज मुद्गल है, और क्रिश है, और चेतन है, और एक ओम है, ये साथी हैं सारे, इन सब ने मिलकर बहुत मेहनत करी इस मीटिंग में बनाने पूरा एफर्ट किया जी। आज इसका इनॉग्रेशन किया गया, इसका उद्घाटन किया गया, किस कौन कौन लोग आए यहाँ? देखिए यहाँ पर इसके इनॉग्रेशन के लिए हमारी जो DSO मैम है उनके अलावा और बाकी अपने जो बाकी अधिकारी हैं और अपने लोकेश भाई हैं और SHO साहब हैं GRPF के, ये सभी साथी सभी लोग जो हैं यहाँ, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। तो और भी इवेंट करने हैं आपने आगे? हाँ देखिए इसमें अभी ये हमारी दूसरी पेंटिंग है, तो अब जैसे जैसे आगे जिस तरीके के इवेंट्स होते रहेंगे, मेरा कहने का मतलब जैसे जयंती है, फ्रीडम फाइटर्स हैं, या हमारे जो भी आइकन्स हैं उन सबको धीरे धीरे हम कवर करेंगे। मेरा जो मकसद है कि पलवल शहर में तकरीबन 40 से 50 इस तरह के आर्टवर्क बनाने हैं, क्योंकि शहर को एक बहुत अच्छा एक बिजनेस।